बरेली बैंड वेलफेयर एसोसिएशन, हम जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जो 9 बजे का जो समय है, जो गाइडलाइन है 9 बजे की, हम एक घंटे का समय बढ़वाने के लिए चाहते थे कि एक घंटे का समय बढ़ जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए हम आए थे कि जिससे कि हमारा काम चल सके और हम लोग आराम से काम करने के बाद वापस अपने अपने घर, अपने अपने ठिकानों पर हमारा स्टाफ वापस आ सके। तो हमें जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि हमारी मांग पर, हमारी बात पर गौर करेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि पहले भी हमारा बहुत उस परेशानी कोरोना काल में जो पहले लॉकडाउन लगा था उसमें भी हमें बहुत सहयोग मिला जिलाधिकारी महोदय से, और हमें अभी भी आशा है, उम्मीद है पूरी कि हमारी बात पर गौर किया जाएगा, हमारी मांग को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ हम अपने जिला अधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी समस्याओं पर पहले भी ध्यान दिया और अब भी हमें उम्मीदें ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे इस कारोबार से बहुत लोग जुड़े हुए हैं और बहुत लोग परेशान हैं। जब से ये हुआ है, जब से लोग इतना परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा और किस तरह से हम लोगों का काम चलेगा। अगर ऊपर वाला ना करे, अगर अब कुछ अगर कोई परेशानी आती है तो शायद हम लोग इतना टूट चुके हैं कि बहुत मुश्किल में हम लोग आ जाएंगे, हमारा समाज बहुत मुश्किल में आ जाएगा। जिससे हमारे साथ बैंड वाले, बग्गी, लाइट सभी लोग जुड़े हुए हैं और 15 दिसंबर से हम लोगों का काम ख़त्म हो चुका है और अब शुरू होने जा रहा था 22 अप्रैल से काम शुरू होने जा रहा है। तो बस यही चाहते हैं हम कि एक घंटे का समय हमें दे दिया जाए जिससे कि हम लोग अपनी रोजी रोटी चल सकें हमारी, और हम लोग रोजी रोटी अपनी कमा सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। पर इसी के साथ हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी बात पर, हमारी मांग पर गौर करेंगे, और हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है पूरी कि महोदय हमारी बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।